हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत की रिताय करने वीडियो में हम विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, शायद आपका जीवन ही बदल जाए। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी। मेरे प्रियजनों, आज हम बात करेंगे, लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी पाप कर रहे हैं। सेक्स वीडियो देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे हैं। मेरे प्रियजनों, जरा आप गहराई से सोचो, ये सब पाप कब तक करते रहोगे? कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे? कब तक दूसरों का नंगापन देखते रहोगे? कब तक गुप्त फिल्में देखते रहोगे, छिप छुप कर देखते रहोगे? कब तक व्यभिचार करते रहोगे? कब तक शारीरिक संबंध बनाते रहोगे? कब तक लड़कियों से बात करते रहोगे? मेरे प्रियजनों, आप जरा दिमाग से सोच कर देखो, अचानक अगर यीशु मसीह आ जाए तो क्या आप उसके साथ स्वर्ग जा पाएंगे? क्या परमेश्वर आपको स्वर्ग लेकर जाएगा? क्या परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा? अगर परमेश्वर यीशु मसीह आ जाए अपने दूतों के साथ महिमा में, अगर वो ऐसा करता आपको पाएगा, तो गहराई से सोच कर देखना मेरे प्रियजनों, अपने आप से पूछ कर देखना, क्या परमेश्वर आपको स्वर्ग लेकर जाएगा? अपने आप से सवाल करके देखना, क्या परमेश्वर आपको स्वर्ग देगा? क्या परमेश्वर आपको स्वर्ग लेकर जाएगा? यदि आप व्यभिचार कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, आपके दीपक बुझे पड़े हुए हैं, आपकी आंख बुरी है, आपका शरीर बुरा है, आपकी आंख निर्मल नहीं है, तो तेरा सारा शरीर अंधेरे में है। बाइबल बताती है, एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। एक बार मरना और फिर न्याय ठहराया परमेश्वर ने, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। मत्ती 12 का 36 वचन में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मनुष्य निकम्मी बातें, गंदी बातें, टेढ़ी बातें कहेंगे, वे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। जरा आप सोच कर देखो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से गंदी गंदी बातें करते हो, गालियां देते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो, चुगली करते हो, एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? न्याय के दिन स्वर्ग सिंहासन के दिन हर एक का न्याय, हर एक का लेखा परमेश्वर लेगा। किसी के अम्मा बप्पा वहां पर लिखा नहीं देंगे, खुद स्वयं जिसने पाप किया होगा, अपराध किया होगा, निकम्मी बातें कही होंगी, वे खुद अपना लिखा परमेश्वर के सामने देंगे। मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। कब तक आप फिल्में देखते रहोगे? कब तक आप दूसरों का नंगापन देखते रहोगे? कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे? क्या अंत नहीं अंत होगा इन सब पापों का। जो मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, व्यभिचार करते हैं, मेरे प्रियजनों, जरा सोच कर देखो, यीशु मसीह ने हम सभी के खाते कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में किल्ले ठोकी गई, उसके मुख पर सैनिकों ने थूका, सैनिक लोग उसकी आंखें बंद करके उसके सिर पे मारते थे, बोलते थे, बोल भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा भविष्यवाणी कर। इतनी बेइज्जती यीशु मसीह की हुई, फिर भी आप लोग सेक्स वीडियो देखते हैं, फिर भी आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, दूसरों का नंगापन देखते हैं। याद रखना, जो आप अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन तो देखते हैं, याद रखना, परमेश्वर आपको नंगा करके ही आग में नंगा ही झोंक देगा। कोई रहम, कोई दया परमेश्वर आप पर किसी के ऊपर नहीं करेगा। लोग वहां पर रोएंगे, चिल्लाएंगे, बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, विश्वासी, अन्य जाति लोग श्वेत सिंहासन के सामने रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे, हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं पापी था, मुझे माफ कर दे, मुझे नया जीवन दे। परमेश्वर कहेगा, तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुम तो उस समय पाप कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, तुम्हारे पास तो वचन भी था, तुम्हारे पास तो मैंने
कई सारे पास्टरों को प्रचारकों को भेजा पर तुमने अपना मन नहीं फिराया। तुम तो पाप करते थे, तुम तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते थे, तुम तो सेक्स वीडियो देखते थे, तुम तो गुनाह करते थे। बहुत सारे लोग चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वहां पर परमेश्वर किसी को पर रहम नहीं करेगा, उसको आग में नंगा ही डालेगा, नंगा ही डालेगा। तब आपके जो शरीर में गर्मी भरी है ना, उसी अनंत काल की आग में निकल जाएगी। बाइबल बताती है वहां के कीड़े आग के कीड़े कभी नहीं बुझते हैं, वहाँ की आग नहीं बुझती है, वहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगान निरंतर होता रहता है। जरा आप सोच कर देखो, जब आग नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का? जो व्यक्ति नरक में जाएगा, उस आग में जाएगा, जरा सोच कर देखो। छोड़ दो गंदी लते, छोड़ दो पाप, छोड़ दो बेबीचार। कब तक पाप करते रहोगे? क्या रखा है सब चीजों में, क्या रखा है? मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे इस संदेश के द्वारा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करना, क्या पता बहुत सारी आत्माएं बच जाए। परमेश्वर के बदले आपको इनाम देगा, स्वर्ग का मुकुट देगा, जीवन देगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। जय मसीह की। गुड लक।